वेलकम एवरीवन। आज हम लोग रहेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स में क्या क्या सिलेबस के कंटेंट है, तो आप लोग में से किसी को ये नोट डाउन नहीं करना पड़ेगा। आप लोग सिर्फ एक बार देख लीजिए सिलेबस के कंटेंट जो भी है वो इंडियन इकोनॉमिक्स में हम लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे, जैसे कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है। पर कैपिटा इनकम इसीलिए आप ये समझ सकते हैं कि हर एक जन का इनकम क्या होता है, मतलब एक एक इंसान का इनकम क्या होता है, वो होता है पर कैपिटा इनकम। इसे कैसे डिसाइड किया जाता है और कौन से स्टेट में ये ज्यादा है या फिर कौन से स्टेट में कम है, वही इस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स में हम लोग देखेंगे। अगला अगर हम लोग देखिए तो वो है आपका मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। अभी जो गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं या बाद में करेंगे, उनका जो आपका सैलरी होता है वो डिसाइड करती है आपकी पे कमीशन। तो ये पे कमीशन कैसे बनी थी, इस पे कमीशन को कब बनाया गया था और ये पे कमीशन ने कब कब सैलरी में चेंज किया, वो देखेंगे आपके मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी में। इसको छोटे हम ये भी देखेंगे कि टैक्स जो होते हैं वो तीन हिस्से में मेनली डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका यूनियन टैक्स, एक होता है आपका स्टेट टैक्स और एक होता है पंचायत टैक्स। तो कौन सा टैक्स किसके अंडर में पड़ता है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। फाइनेंस कमीशन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। फाइनेंस कमीशन आपकी पार्लियामेंट में होता है जो डिसाइड करता है कि कौन सा स्टेट को कितना पैसा देना चाहिए और कौन सा स्टेट में आपका हेल्प करना चाहिए पैसे से कि उस स्टेट का डेवलपमेंट हो सके, उसके लिए होता है फाइनेंस कमीशन। इसको छोड़ के हम लोग का जो यूनियन बजट है उसके बारे में भी जो जो हाईलाइट है वो भी हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। फिर देखेंगे हम लोग बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम अगर आप लोग ने देखा होगा स्कैम 1992, उसमें आप लोग ने देखा था कि सेबी को बहुत बार बोला जाता है कि उसका पावर बढ़ना चाहिए और उसको और भी कंट्रोल करना चाहिए। तो बाद में 1992 के बाद में सेबी का पावर बढ़ाया गया था और सेबी असलियत में है क्या और उसको किसलिए बनाया गया था वो पढ़ेंगे इस बैंकिंग सिस्टम के चैप्टर में। और इसको छोड़ के भी जो बेस रेट होता है, बेस रेट या फिर प्राइम लेंडिंग रेट या फिर आपने सुना ही होगा डिमांड ड्राफ्ट जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है बैंक में, ये सब क्या होता है इसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे। बैंकिंग सिस्टम के बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ बैंक्स। टाइप्स ऑफ बैंक्स में देखा जाए तो होता है जैसे आपका डेवलपमेंट बैंक हो गया, कोई हो गया इंडस्ट्रियल बैंक या फिर बहुत सारे बैंक है जो जैसे कि आपको पता ही होगा टीजीएनएल, रूरल, आरआरबी। तो ऐसे बहुत सारे बैंक होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक काम होता है, स्पेसिफिक एरिया में वो डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो ये बैंक कौन कौन से होते हैं, उनका क्या काम रहता है, ये भी ये इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ बैंक वाले चैप्टर में देखेंगे। फिर आते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए तो ये आपको बताइए इंडिया का मेन बैंक है, इसे बैंकर्स बैंक भी बोला जाता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आपको पता है कि इंडिया का जितना कलेक्शन होता है, जितना भी बैंक्स है, वो सबका कंट्रोल रहता है आपके आरबीआई के पास। तो ये पैसे को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या यूज होता है, जैसे आपका कैश रिजर्व रेशियो हो गया, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो गया, ये सब क्या क्या होता है वो पढ़ेंगे। आप मतलब छोटे से ब्रीफ तरीके से समझ लीजिए, ये सब यूज किया जाता है मार्केट में पैसे को कंट्रोल करने के लिए कि मार्केट में कितना पैसा जाएगा या मार्केट से कितना पैसा आएगा उसको कंट्रोल करने के लिए ये सब इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होता है और इनका क्या यूज होता है वो सब देखेंगे इस चैप्टर में। फिर आता है हम लोग का फाइव ईयर प्लान। अगर फाइव ईयर प्लान के बारे में देखा जाए तो फाइव ईयर प्लान स्टार्ट किया था आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। फाइव ईयर प्लान स्टार्ट किया गया था आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने और उन्होंने ये फाइव ईयर प्लान स्टार्ट करने के बाद फाइव ईयर प्लान में क्या क्या चेंज हुआ, कौन कौन से ईयर में इसको इंप्लीमेंट किया गया था, इसमें इसको इंपॉर्टेंस दिया गया। मतलब फाइव ईयर प्लान जो होता था वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बनाया जाता था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लान बनाया जाता था कि पांच साल के बाद हम लोग ये काम करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन से ये फाइव ईयर प्लान बनाए थे, कौन कौन से साल में इनके इंपॉर्टेंस और ये फेलियर हुए थे या फिर सक्सेस, मतलब जो फाइव ईयर प्लान थे ये सब इनमें से कुछ फेल हुआ था और कुछ कुछ सक्सेसफुल हुआ था। तो फेलियर का रीजन भी देखेंगे और सक्सेसफुल जो हुआ था उसका भी हम लोग यहाँ पर रीजन देखेंगे। फिर आते हैं हम लोग एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में हम लोग देखेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। जैसा आप लोग को पता ही होगा ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था आपके पंजाब और हरियाणा के साइड पे मेनली स्टार्ट किया गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों स्टार्ट किया गया था, इस पे इंपॉर्टेंट क्रॉप जो थे क्या क्या थे ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान, और हम लोग दूसरे भी पॉलिसीज बनेंगे जिससे फार्मर के लिए अच्छा होता है और फार्मर का जो इनकम है उसको इंक्रीज करने का कोशिश किया जाता है, वो सब पढ़ेंगे हम लोग एग्रीकल्चर में। फिर आते हैं चैप्टर इंडस्ट्री। फिर इंडस्ट्री की बात की जाए, आप लोगों को पता ही है जितने भी डेवलप नेशन है उसके लिए बहुत जरूरी होता है इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर तो जरूरी होता ही है, पर अगर आप एग्रीकल्चर से कोई मटेरियल प्रोड्यूस करते हो तो वो रॉ मटेरियल होता है, मतलब कच्चा माल होता है। उससे अगर आप एक्सपोर्ट कर दोगे बाहर के देश में और बाहर के देश में इंडस्ट्रीज होंगे और वो इंडस्ट्री सामान बना के फिर से आपको बेचेगी तो आपको अपने सामान के लिए पैसा देना पड़ता है। इसीलिए बहुत जरूरी है इंडस्ट्रीज बनाना अपने देश में ताकि ये जो कच्चा माल हो उससे प्रोडक्ट बन सके। तो ये इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए क्या क्या इंडस्ट्रीज पॉलिसीज लाए गए थे और ये कौन कौन से साल में लाए गए थे ये सब हम लोग देखेंगे। फिर आते हैं हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग पढ़ेंगे मेनली इकोनॉमी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है, जो कि पूरे वर्ल्ड का जो डेवलपमेंट है और मनी फैक्टर है, मनी मार्केट है, उनको कंट्रोल करके रखती है। ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन से थे, इनको कौन से साल में बनाया गया था, इनके हेडक्वार्टर्स क्या है और इनके इंपॉर्टेंस क्या है या फिर इनकी गोल्स क्या है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए थे ये किस गोल के लिए बनाए गए थे। फिर आखिर में हम लोग पढ़ेंगे स्कीम्स एंड योजना। स्कीम्स एंड योजना में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से प्राइम मिनिस्टर, कौन से गवर्नमेंट की बहुत ही स्कीम और योजना, डिफरेंट जो स्कीम्स होते हैं और योजना होते हैं ये सब डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर के टाइम, डिफरेंट गवर्नमेंट के टाइम कब लाया गया था, इनका मेन पर्पस क्या क्या था। तो ये है आपका इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमी। इसमें पर्टिकुलरली मैंने इंडियन इकोनॉमी पे सिर्फ देखा, फोकस किया। तो ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा इंडियन इकोनॉमी। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल पे काइंडली सब्सक्राइब कीजिए।